कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर को अपना कद देखकर बयानबाजी करने की नसीहत दे डाली। रामलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने से कद नहीं बढ़ा करते, साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर केवल कांग्रेस पर डंडा चलाने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही रामलाल ने उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर पर कर्मचारियों पर दबाव डालकर प्रचार और वोट देने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस प्रत्याशी ने इस तरह सीएम जयराम ठाकुर पर जमकर वार किया है, साथ ही चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। रामलाल का सिर्फ कांग्रेस पर इलेक्शन कमीशन का डंडा चल रहा है, ऊना में ये बयान देते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के एक एक दुकान पे जो है पांच पांच झंडे लगे हुए हैं, और उसमें मैं कहूंगा कि सरकारी जो पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के जो लेबरर है उनसे लगवाए जा रहे हैं। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पे कर्मचारियों की मीटिंग करी, मैं वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया में गया था तो उन्होंने इंडस्ट्री एरिया के जो मालिक हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनको बुला के ये कहा कि जितने भी लोग हैं और उनको एड्रेस करते हुए कहा मैं एक को भी नौकरी में नहीं रखूँगा। ये मैं कहूँगा ये इंडस्ट्री मिनिस्टर का जो बयान है ये मैं कहूँगा उल्लंघन है आचार संहिता का। आप किसी को धमका नहीं सकते कर्मचारियों को ट्रांसफ़र करने के लिए कि चुनाव के बाद अगर तुम्हारे पोलिंग स्टेशन से कोई गड़बड़ हुई तो ये देखना तुम्हारे को लाहौल स्पीति भेजूंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऊना से हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल किस तरह सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना साध रहे हैं? जी बिल्कुल निको, आपको बता दूं कि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर आज जिला ऊना के कुटलहर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है, और कुटलहर विधानसभा क्षेत्र जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, और आज ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं जो है वो रामलाल ठाकुर यहाँ पर कर रहे हैं। और कुटलहर दौरे के दौरान उन्होंने जो है सीएम जयराम ठाकुर के साथ साथ अनुराग ठाकुर और वहीं अगर बात की जाए उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर को भी जहां पर उन्होंने घेरने का प्रयास किया है, और उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर को जो है वो अपना कद देखकर बयानबाजी करने की नसीहत दी है। वहीं उन्होंने अनुराग ठाकुर के जो एक बयान था कि कांग्रेस अब वोट कटुआ हो गया, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त की है। जी, क्या इस पर सीएम की किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है अमित? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी रामलाल ठाकुर का बयान आया है, लेकिन अभी तक भाजपा की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया जो है वो इस पर नहीं आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।